जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है फिर से एक नए एजुकेशनल वीडियो में। दोस्तों आज हम लोग टैली ERP 9 में जो एंट्री करते हैं जर्नल एंट्री, तो परचेज रिसिप्ट और पेमेंट जर्नल के वाउचर में कभी कभी DR और CR दिखाई नहीं देता है, वहाँ पे बाई ऑप्शन दिखाई देता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम आपको दिखा रहे हैं, मैंने एक टैली प्राइम में एक कंपनी ABC नाम से नया बनाया है और यहाँ हम अकाउंटिंग वाउचर में जा करके जब इंटर प्रेस करते हैं तो ये बाई डिफ़ॉल्ट यहाँ पर BY22 शो कर रहा है, जबकि मुझे डबल एंट्री सिस्टम में वर्क करने के लिए यहाँ पर DR और CR की ज़रूरत है। तो ये हम लोग कैसे लाएंगे, चलिए आज हम लोग ये लाना सीखते हैं। तो इसके लिए मुझे करना क्या होगा, हमें अकाउंटिंग वाउचर में ही जाना होगा। जैसा कि आपने एक कंपनी बना रखा है ABC नाम से, तो कंपनी बनाने के बाद आपको चले जाना है अकाउंटिंग वाउचर में, इंटर करना है। अकाउंटिंग वाउचर में जाइएगा तो बाय डिफॉल्ट आपका पेमेंट खुलेगा, तो पेमेंट खोल लीजिएगा। अदरवाइज अगर आप A6 को भी देखते हैं, रिसिप्ट को भी, तो भी यहाँ पे 2 और 2 दिखा रहा है। अगर आप आगे भी देखिएगा, जैसे कॉन्ट्रैक्ट को भी देखते हैं, तो भी यहाँ पे भी आपको 2 और 2 दिखा रहा है। अगर आप इसी तरह रिसिप्ट को भी देखते हैं तो यहाँ पे भी, पेमेंट को भी देखते हैं तो यहाँ पे भी, जर्नल भी देखिए तो यहाँ पे भी, मतलब हर एक वाउचर्स में आपको 2 और 2 ही दिखा रहा है। तो यहाँ पे DR CR लाना है, तो हमें कैसे लाना है, तो हमें करना क्या होगा कि यहाँ से किसी भी एक वाउचर पर रहना है, जैसे कॉन्ट्रा, पेमेंट, रिसिप्ट या जर्नल, किसी वाउचर में हो कोई दिक्कत नहीं है। आपको कीबोर्ड का F12 प्रेस करना है, तो कीबोर्ड का जैसे ही F12 प्रेस कीजिएगा तो यहां पे पेमेंट स्टैंडर्ड मोड कॉन्फ़िगरेशन का एक ऑप्शन खुलेगा, जो ये टैली का कॉन्फ़िगरेशन होता है, सेटिंग्स होता है। अब यहां पे आपको क्या करना है, यूज सिंगल एंट्री मोड फॉर पेमेंट एलोकेशंस। ये सिंगल एंट्री मोड जो है, ये ऑप्शंस आपका यहां पे नो किया गया है, मतलब सिंगल एंट्री में काम नहीं होगा। सही बात है, सिंगल एंट्री में मुझे काम नहीं करना है, डबल एंट्री सिस्टम पे काम करना है। और यहां पे एक DR CR इंटरेस्टिंग 2 by 2 ड्यूरिंग एंट्री जो दिख रहा है, इस ऑप्शन को आपको क्या करना है, यस करना है। यस करने के बाद इंटर करके इसे जब आप एक्सेप्ट कीजिएगा, तो एक्सेप्ट करने के बाद आपको DR तो यहां पे दिखाई दे देगा, और जैसे आप एंट्री डाल करके आगे बढ़िएगा तो ऑटोमेटिक आपका CR भी यहां पे दिखाई दे देगा, एंट्री कीजिएगा तो CR भी दिखाई दे देगा। तो इस तरह से DR CR हम लोग ला सकते हैं। अगर मान लिया जाए अकाउंट में कुछ दिख ही नहीं रहा है, जैसे ना DR दिख रहा है, ना CR, ना 2 और ना 2, जैसे फॉर एग्जांपल होता है क्या है कि हम F12 में क्लिक करते हैं और सिंगल एंट्री मोड को हम अगर यस कर लेते हैं और डबल एंट्री सिस्टम को यहाँ पर DR CR ड्यूरिंग को नो कर लेते हैं, तब इंटर करके एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो कुछ इस तरह का इंटरफेस भी आपको दिखाई देता है, जिसमें पार्टिकुलर और अमाउंट दिखाई देगा, ना ही यहाँ पर आपको डेबिट क्रेडिट दिखाई देगा और ना ही आपको 2 दिखाई देगा। तो इसके लिए भी अगर आपको डबल एंट्री सिस्टम में काम करना है और साथ में डेबिट क्रेडिट पे काम करना है या 2 और 2 पे काम करना है, तो आपको क्या करना है, कीबोर्ड से F12 प्रेस करना है। F12 प्रेस करने के बाद यहां से सिंगल एंट्री मोड को आपको नो कर देना है, क्योंकि आपको सिंगल एंट्री मोड नहीं करना है, डबल एंट्री सिस्टम पे काम करना है। तो इसे यस, इसको नो कर दीजिएगा और नीचे आइएगा तो DR CR इंटरेस्टेड 2 by 2 ड्यूरिंग एंट्री जो है, इस ऑप्शन को यस करके और इंटर करके आप एक्सेप्ट कर दीजिएगा। जैसे एक्सेप्ट कर दीजिएगा वैसे आपको DR CR यहां पे दिखाई देने लगेंगे। दोस्तों ये डबल DR दिखाई दे रहा है, तो इसमें भी कंफ्यूजन नहीं होना है, आपको इंटर करना है और जैसे आप अमाउंट डाल करके नीचे आइएगा तो ये CR कीजिएगा तो CR में बदल जाएगा और DR कीजिएगा तो DR में बदल जाएगा। तो यहां से आप इस वाउचर को लिख करके चेंज कर सकते हैं, इसमें कोई ऐसू नहीं है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे आपको तो एक लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरह का टैली से रिलेटेड हर एक प्रकार का क्वेश्चन, सॉल्यूशंस, प्रॉब्लम्स मेरे चैनल पे आते रहते हैं। तो फिर मिलेंगे दोस्तों किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।